खत्म होने के बाद भी शहर के नागरिकों को डेंगू से राहत नहीं मिल पा रही है। हालात यह है कि यह बीमारी सन 2018 का रिकॉर्ड तोड़ने पर आमदा है। 2018 में जनवरी से दिसंबर के बीच में डेंगू के जहां पर 825 मरीज सरकारी आंकड़ों में दर्ज किए गए थे, वहीं इस साल नवंबर के पहले सप्ताह तक ही मरीजों की संख्या 769 पहुंच गई है। हालांकि चिकित्सकों का कहना है कि डेंगू के मामले कम हो रहे हैं। उनका दावा है कि ज्यो ज्यो ठंड बढ़ेगी वैसे वैसे मच्छर जनित बीमारियों का असर भी कम हो जाएगा। इस बीच लोगों को सर्वे के दौरान जागरूक किया जा रहा है, जहां पर इस दावे के उलट मच्छरों से राहत न मिल पाने के कारण अभी भी डेंगू के नए मरीज रोजाना मिल रहे हैं। वहीं चिकनगुनिया के मरीजों की संख्या शतक के करीब पहुंच चुकी है और पिछले वर्ष चिकनगुनिया के 34 मरीज मिले थे, जबकि इस वर्ष इस अवधि में आंकड़ा बढ़कर 97 पहुंच गया है और इस दौरान कई मरीजों की डेंगू से मौत भी हो गई है। वहीं इसकी बड़ी वजह जिला मलेरिया अधिकारी डॉक्टर आर के पहाड़िया ने घरों में रखे गमले, पानी की टंकियां, कूलर, कंटेनर और साथ ही में फ्रिज आदि का पानी समय से नहीं बदले जाने को बताया है, जिसके चलते मच्छरों के लार्वा को पनपने की जगह मिल रही है। नागरिकों की जागरूकता से मच्छर जन्य बीमारियों की रोकथाम संभव है और उनका कहना है कि फिलहाल ठंड के चलते मच्छर से फैलने वाली बीमारियां कम हो रही है। भले ही सरकारी दावे डेंगू जैसे मामले कम होने की बात कह रहे हैं, लेकिन सरकारी और निजी अस्पतालों और फीवर क्लिनिक में बुखार के मरीजों की संख्या अभी भी 300 से 400 के बीच बनी हुई है। इतने मरीज रोजाना उपचार कराने पहुँच रहे हैं। यही वजह है कि कलेक्टर कर्मवीर शर्मा के निर्देशन पर बुखार के मरीजों का डेंगू, मलेरिया और कोरोना परीक्षण किया जा रहा है। कोरोना का खतरा जरूर कम हुआ है, लेकिन डेंगू और चिकनगुनिया के नए मरीज सामने आ रहे हैं। बहरहाल जिला मलेरिया विभाग घर घर सर्वे अभियान चलाकर लोगों को मच्छरों से बचने के लिए लगातार आगाह कर रहा है। और क्या केसेस चल रहे हैं डेंगू के? पहले तो आप सभी को धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। पिछले कुछ महीनों में निश्चित रूप से डेंगू के केस बढ़े थे, क्योंकि वो डेंगू के लिए जो मच्छरों का ब्रीडिंग सीजन था, तो मच्छर भी बढ़ते हैं, उस हिसाब से केसेस भी बढ़ जाते हैं। आज की वर्तमान स्थिति में ये है कि चूँकि एक तो सीज़न भी बदल गया, मौसम में ठंडक आ गई है और लोगों के घर में साफ़ सफाई उनने स्वयं की है, जिससे मच्छरों की संख्या कम हुई है। पिछले 2-3 महीने से जो स्वास्थ्य विभाग निरंतर अपनी कार्य सूची में ये शामिल किया था कि जन जागरूकता कैसे लाई जाए जिससे मच्छर का प्रकोप कम हो, और जिसमें हम लोगों ने शहर के विभिन्न स्थानों पे जन जागरूक रैली का आयोजन किया, स्कूल कॉलेजेस को इस प्रोग्राम से जोड़ा कि वो साफ़ सफाई का ध्यान रखें, और डेंगू से बचाव के लिए एडवाइजरी जारी की, जिसमें कि लोगों को ये बोला गया कि अपने घर के आसपास कहीं पानी का जमाव ना होने दें, पूरी वहाँ के कपड़े पहने, क्योंकि डे बाइटर मॉस्किटो था तो इससे दिन में काटता है, इसलिए पूरी वहाँ के कपड़े पहनने चाहिए था, मॉस्किटो रिपल्टेंट का यूज़ करें, मच्छरदानी का उपयोग करें। इन सब सावधानियाँ बरतने से हम मच्छरों जनित बीमारियों से बचते हैं। और जो आंदोलन के रूप में चला और जिसके सकारात्मक रिजल्ट आए हमें, और डेंगू के आज के दिनांक में केस ना के बराबर निकल रहे हैं, इसलिए एक आध दिनों में एक आध दो केसेस निकलते हैं, तो जिनका समुचित इलाज भी किया जा रहा है। भविष्य में भी स्वास्थ्य विभाग अपनी कार्य योजना को निरंतर बनाए रखेगा, जनसंपर्क जन जागरूक हमारा चलता रहता है। हम डोर टू डोर सर्वे हमारे जो मलेरिया विभाग के कर्मचारी हैं वो कर रहे हैं, वो करते रहेंगे, और पूरा मलेरिया विभाग जन सहयोग से मच्छर जनित बीमारियों से लड़ने के लिए सक्षम। वॉइस ऑफ रेड्स के लिए जलपुर से आशीष वात्री की रिपोर्ट।